बिहार के युवक और युवतियां जिस तरीके से राज्य में शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उससे यह तो जरूर पता चलता है कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली फलक खान ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पटल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। प्रोफेसर AR खान के पुत्र यानी फलक खान की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर अवार्ड की रेस में अब शामिल हो चुकी है। जी हाँ, पूरे बिहार के लिए काफी गर्व की बात है। फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड यानी 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आखिर फलक इस मकाम तक पहुंची। फलक मुजफ्फरपुर की इंजीनियरिंग कॉलेज MIT से इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई आ गई और वहाँ पर उसने MBA की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने और फिल्म बनाने का शौक पैदा हुआ और उनके परिवार वालों ने उनका पूरा सहयोग करने की बात कही और इसके बाद फलक ने अपने मुजफ्फरपुर में छोटा सा स्टूडियो बनाकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया। और फलक के पिता प्रोफेसर AR खान ने बताया कि फलक बचपन से ही क्रिएटिव थी और पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी उसकी काफी रुचि थी। जब वो मुजफ्फरपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर MBA के लिए मुंबई गई और वहां से उसने MBA पूरा करने के बाद फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो उन्होंने खुद छोटे छोटे फिल्में बनाने के लिए घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो का निर्माण कराया। उसके बाद यहाँ से उसने कई ऐसे फिल्म को तैयार किए जो देश में अपना परचम लहराने लगी और इसी बीच उसकी एक फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। फलक खान की फिल्म चंपारण मटन US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों के बीच भारत से अकेली यह फिल्म स्टूडेंट अकादमी अवार्ड के सेमीफाइनल में पहुंची है और इस अवार्ड के लिए कई देशों से 1700 से अधिक फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ था और उसी बीच भारत के चंपारण मटन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह हासिल की है। फलक के अभिनय से सजीव फिल्म चंपारण मटन दुनिया भर में डंका बजा रही है, जिसमें फलक की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी में चुनी गई है। बता दें कि स्टूडेंट अकादमी अवार्ड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और फिल्म मेकर के लिए होता है। ये ऑस्कर का ही एक विंग है और साल 1972 से ही यह अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिलहाल फलक खान को लेकर आपको क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।